बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास टॉपिक है फाइल मोलस्का, एंड फाइलम मोलस्का इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेटिन वर्ड दैट इज़ नोन एज मोलस, एंड मोलस मीन्स सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म। सो इट्स मीन के फाइलम मोलस्का इज़ हैविंग सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म, एंड दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन 80,000 स्पीशीज। सिमिलरली अगर आप लोग इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाएं, दे आर शोविंग बायलेटरल सिमेट्री। इट्स मीन के इनकी बॉडी को हम सिर्फ एक बार टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली दे आर फाइब्रोब्लास्टिक। इट्स मीन के इनकी बॉडी आपके पास थ्री लेयर से बनी हुई होगी। दे आर सिलोमेट, इनमें टू सिलोम प्रेजेंट होगा। टू सिलोम आप उस सिलोम को कहते हैं जो हमारे पास मीजोडम से ओरिजिनेट होता है। प्रोटोस्टोमस ये होंगे। प्रोटोस्टोमस का ये मतलब है कि जब इनमें डिवेलपमेंट होती है सो ब्लास्टोपोर से पहले इनका माउथ एंड देन इनका एनस एराइज होगा। सिमिलरली अगर आप इनके और कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाएं, लेकिन और कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग स्नेल देखते हैं या आप इसके साथ साथ ऑक्टोपस देखते हैं, सो चाहे आपके पास स्नेल है या ऑक्टोपस है, ये आपके पास इसी फाइलम मोलस्का में ही आता है। अगर आप लोग इनके हैबिटेट देख लें सो इनका जो हैबिटेट आपके पास होगा वो फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, इसके अलावा मेरीन इन्वायरमेंट में भी, और इसके साथ साथ स्नेल जो आप लोगों ने देखा हुआ है वो टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट, टेरिस्ट्रियल का मतलब है कि लैंड पर भी हो सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इनके बॉडी को देख लें, स्नेल को ही ले लें, इस स्नेल को अगर आप देख रहे हैं सो इस स्नेल की बॉडी के थ्री पार्ट्स है। एक आपके पास जो ऊपर की तरफ शेल है इसको हम कहते हैं डोर्सल हम्प। इसके नीचे पर इसके ऑर्गन प्रेजेंट हैं, दैट विल बी नोन एज विजरल मास। और जो सबसे नीचे की तरफ ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज मस्कुलर फुट या वेंट्रल मस्कुलर फुट। तो इनकी बॉडी को हमने थ्री इक्वल हाफ में डिवाइड किया हुआ है। अब इनकी जो शेल है ये हमारे पास बनी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट से। इनके शेल के नीचे हमारे पास एक लेयर होता है, एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम मेंटल कहते हैं, और यही वो मेंटल होगा जो इनका शेल एक्सक्रीट करेगा। अब इन द केस अब अगर हम सॉरी शेल इनका सीक्रेट होगा। अब अगर आप इसके शेल की बात करते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे मोलस्कस में हमारे पास इनका शेल प्रेजेंट हो। जैसा कि आपके पास स्नेल है सो इसमें हमारे पास शेल प्रेजेंट होता है, बट इन द केस जो आपके पास कटल फिश है इसमें हमारे पास शेल इंटरनली होगा। लेकिन हाँ, इसमें कुछ ऐसे मेंबर भी है जिनमें हमारे पास शेल एब्सेंट होता है, और उसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं। ऑक्टोपस में हम इसकी एग्जाम्पल लेंगे। अच्छा, अब आते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। हम स्टार्ट ले रहे हैं इनके डाइजेशन से। अगर आप इनकी डाइजेशन की बात करेंगे, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस डायग्राम से ही हम इस पूरे फाइलम को एक्सप्लेन करेंगे। इसको अब हमने इस डायग्राम के थ्रू पढ़ना होगा। अब क्या है, अगर आप इनके डाइजेशन की बात करते हैं सो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ होगा। डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रहा है। माउथ के बाद फिर आपके पास फेरिंग्स होगा, फेरिंग्स के बाद फिर आपके पास क्रोप, क्रोप के बाद फिर आपके पास इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन फिर हमारे पास बाहर की तरफ ओपन होता है एनस के थ्रू। अच्छा, आते हैं इसके बाद इनके रिस्पायरेशन की तरफ। अगर आप इनके रिस्पायरेशन की बात करते हैं सो इनमें हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होता है गिल्स के थ्रू, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा इनमें हमारे पास गैसेस एक्सचेंज मेंटल के थ्रू भी होता है, या इनके बॉडी के सरफेस के थ्रू भी होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनका जो माउथ है इनके साथ एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रेडियुलर बी कहते हैं। क्लियर, आते हैं इसके ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। चूंकि इनमें हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का यह मतलब है कि इनमें हमारे पास ब्लड वेसल में फ्लो नहीं करता, ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है। सो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को फिर हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सिमिलरली इनका हार्ट भी प्रेजेंट होता है, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, जो पंपिंग का फंक्शन परफॉर्म करेगा। आते हैं इनके एक्सक्रीशन की तरफ कि हमारे पास इनमें एक्सक्रीशन किस तरह होगी। अच्छा, अगर हम इनके एक्सक्रीशन की बात करते हैं सो इनमें हमारे पास 1 to 2 मेटेनिफीडिया होंगे। मेटेनिफीडिया वो स्ट्रक्चर होंगे
जो हमारे पास बॉडी से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेंगे और बॉडी से रिलीज कर रहे हैं। अभी अगर आप डायग्राम पे देख लें, येलो कलर के आपको इस तरह ट्यूब नज़र आ रहे हैं, ये जो येलो कलर के ट्यूब आपको नज़र आ रहे हैं यही आपके पास है नेफ्रिडिया। ये क्या करते हैं, ये ब्लड ये पेरिकार्डियल कैविटी में एंटर होते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी क्या है, हार्ट में एक कैविटी प्रेजेंट होगी, देट विल बी नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी। यहाँ से जो ब्लड आएगा और ये इस ब्लड से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेंगे और बाहर की तरफ फिर हमारे पास इसको रिलीज करेंगे। आते हैं इनके नर्वस सिस्टम की तरफ। आप डायग्राम पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, इनमें होते हैं पेयर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स। नर्व कॉर्ड्स हमारे पास इनके न्यूरॉन के फाइबर्स होते हैं, चूँकि वेंट्रल इंपोजिशन होते हैं इसी बेस पे इनको हम वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स कहते हैं। पेयर्ड फॉर्म में होंगे, लेकिन जहाँ से ये एराइज होते हैं ये इनका ब्रेन होता है और इससे ये जो नर्व कॉर्ड्स होते हैं ये पूरे बॉडी में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये हमारे पास इनका होगा नर्वस सिस्टम। आते हैं इनके रिप्रोडक्शन की तरफ। इनमें हमारे पास सेक्सेस सेपरेट होंगे और मेल हमारे पास अलग होगा और फीमेल हमारे पास अलग होंगी। बट एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन हमारे पास या तो डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा या हमारे पास लार्वी बनेगा। इनकी लार्वी को आप लोग कीडियम लार्वी भी कह सकते हैं या ट्रोपोफोर लार्वी भी कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप अगर आप देख लें, ये जो पूरा डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ये स्नेल का डायग्राम है और आप इसी को देख के पूरे मोलस्क को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की तरफ कि हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा, दे आर यूज इन द बटन इंडस्ट्री, दे आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल थिंग्स और इसके अलावा हमारे पास दे आर आल्सो यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्ल्स। सिमिलरली दे आर आल्सो यूज एज ए सोर्स ऑफ फूड। सिमिलरली दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग वुडन पार्ट्स इन शिप्स।